नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए। नई दिल्ली, भारत ने बुधवार को एंटी सैटेलाइट हथियार का टेस्ट किया। पीएम मोदी ने खुद राष्ट्र के नाम संबोधन में इस बात की जानकारी दी। भारत ने सुबह 11:16 पर इस सेट का परीक्षण किया। इस सेट ने 300 किमी की ऊंचाई पर एक पुराने सैटेलाइट को निशाना बनाया, जो अब सेवा से हटा दिया गया है। यह पूरा अभियान मात्र 3 मिनट में पूरा हो गया। इस सैटेलाइट के मिसाइल के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी घोषणा खुद पीएम मोदी ने की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, कुछ ही समय पहले भारत ने एक अभूतपूर्व सिद्धि प्राप्त की है। भारत ने दुनिया में अंतरिक्ष महाशक्ति के तौर पर नाम दर्ज करा दिया है। भारत से पहले यह उपलब्धि सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास थी। भारत द्वारा किया गया यह टेस्ट बेहद दुर्लभ और खतरनाक भी था। अमेरिका ने किया पहला टेस्ट। अमेरिका ने पहला एंटी सैटेलाइट टेस्ट 1959 में किया था। यह उस समय की बात है जब सैटेलाइट होना ही बेहद दुर्लभ और नया था। इसके कुछ समय बाद ही सोवियत यूनियन ने ऐसा ही टेस्ट किया। सोवियत यूनियन ने 1960 और 1970 में यह टेस्ट किया। रूस ने ऐसे हथियार का टेस्ट किया। चीन के 2007 के टेस्ट को अब तक का सबसे विध्वंसकारी टेस्ट माना जाता है। इस टेस्ट के बाद काफी मात्रा में मलबा स्पेस में ही रह गया था। चीन ने यह टेस्ट स्पेस में करीब 800 किलोमीटर की दूरी पर किया था।